गाइस आज लेकर आई है सोनी पालक की सब्जी, और आप देख सकते हो देखने में कितनी गजब की लग रही है। अब देखने में इतनी सुंदर है तो खाने में क्या ही स्वाद होगा इसका। तो चलिए आज हम इसी सब्जी को बना रहे हैं, और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हेलो, राम राम जी, नमस्ते, और सब कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी ब्रिज लाइव यूट्यूब चैनल में। गाइस आज की जो रेसिपी है ना एकदम खास है, और इसको देख के तो आप बोलोगे तो पालक है, खास क्या है। लेकिन खास इसलिए है, ये इसको इतने अलग तरीके से बनाएगी सोनी आज कि आपको क्या ही बताएं, मुंह में रखते घुल जाएगी, इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। राम राम, राधे राधे, माता बहनों सभी को हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज नई तरीके से पालक की सब्जी लेके आएंगे, पालक की रेसिपी। बस आप देखिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। पालक की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तो पालक चाहिए, जो कि देखो ये रखा है पालक, बहुत ही एकदम ताजा ताजा है, बढ़िया वाला। और हमने यहाँ पे पालक लिया है 3 गड्ढी, और क्या क्या लिया है सोनी यहाँ पे, ये काड़े कूड़े टमाटर लिए हैं, तो यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं। अच्छा अच्छा निकाल लेंगे इसके अंदर से। 2 प्याज और करीब 2 इंची वो अदरक, और 1 गांठ पूरा लहसुन का, और यहाँ पे हरी मिर्च 4-5 हरी मिर्ची हैं। अभी इनको अच्छे से साफ करके कटिंग करते हैं। अभी पालक को एकदम बारीक कटिंग करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं हैंची से कटिंग करती है सोनी। तो ये जो कटिंग करने का तरीका ना, मेरा तो फेवरेट है, बेस्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। आप बताइए, ये देख सकते हैं एकदम बारीक कटिंग हो रहा है, छुरी से बहुत मोटा मोटा। हाँ, छुरी से मोटा हो जाएगा, लेकिन हाथ से देख सकते हैं कितना बढ़िया, एकदम बारीक। और ये जयपुरिया एशिया है, जयपुरिया एशिया। आज अंजू का तो स्नान दान होगा नहीं सर्दी के मारे, हैं तोहफा लगा के बैठ गई है भाई। अभी लहसुन छील रही है, मौसी की मदद करवा रही है। ये देखिए काटने का तरीका, बस हाथ को संभल के काटना है, एकदम बारीक कटता है ना, तो ऐसे लगता है कि हाथ नहीं कट गया है सोनी, फिर डर नहीं लगता, आदत पड़ेगी सोनी को। तो पालक हमारा कट गया सब। पालक को हमने सबसे पहले धो दिया था शाम को ही है सोनी, ये शाम को ही धो के रखा था पूरा पालक, देखो वो रखा है इधर रखा है, और उसके बाद में सुबह कटिंग किया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी हम मसाले बनाते हैं, जो कि मसाले डालेंगे इसमें, तो सबसे पहले लिया है यहाँ पे धनिया पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये है लाल मिर्ची पाउडर, डिब्बा हमारा खाली हो गया, लाल मिर्ची पाउडर खत्म। 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी हमने इसमें भी लाल मिर्ची ली है, और थोड़ी सी लाल मिर्ची इसमें भी डालेंगे, आधी चम्मच पालक में डालेंगे, जब भी बनेंगे ये चटपटे। और अभी मिर्ची को पालक के अंदर अच्छे से मिला देंगे, है सबको मिक्स कर देते सबको, भाई मिर्ची अकेली डाली है, और कुछ डालेगा इसमें? नमक भी डाला है, नमक तो डाला है। अभी इसको ऐसे मिला के 5 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक अपना मसाला तैयार करेंगे, इसको मिक्सी मशीन में पीसते हैं। और हमने जो पालक कटिंग किया था ना, उसमें से हमने ये थोड़ा सा पालक यहाँ पे बचा लिया है, करीब एक मुट्ठी में बन जाएगा, इतना ही है। और इसको हम मिक्सी मशीन में पीस के क्या बनाएंगे, चटनी बनाएंगे इसकी एक तरह की। और अभी अपने मसाले को पीस लेंगे, जो प्याज लहसुन अदरक वगैरह है, मिर्ची टमाटर, मिर्ची अदरक को यहाँ पे कद्दूकस कर देंगे, घिस देंगे, मिक्सी मशीन में थोड़ी दिक्कत करेगा ये। यहाँ पे जो मसाला हमने पीसा है, इसको दरदरा रखा है, एकदम ये नहीं कि एकदम जैसे चटनी सी बना दी, ऐसे नहीं, जब तक ग्रेवी बनने की मोटा सा ही रखेंगे ऐसे। और ये टमाटर का पेस्ट बन गया, टमाटर को पीस दिया है, और अभी पालक को थोड़ा थोड़ा कटिंग करके इसको भी हम मिक्सी मशीन में पीस लेंगे। ये देखिए गाइस, अभी पालक एकदम पिस गया है, चटनी जैसी बन गई इसकी, ये आएगा ग्रेवी के काम में सोन। और यहाँ पे हमने गैस के ऊपर गर्म पानी रख दिया था, करीब 1 लीटर है। हाँ। और अभी जो पालक हमने नमक मिर्ची मिलाई थी, उसमें हम मिलाएंगे अभी थोड़ा सा बेसन। तो बेसन कितना डाला है, 1 मुट्ठी? नहीं, वो तो अपने पालक के हिसाब से, जितना कितना चाहेगा जितना। अच्छा, पालक के हिसाब से मिलाएंगे, जितना पालक बोलेगा, और पालक बोलेगा कैसे वो देखिए। पालक बोलता है, अभी बताएगी कैसे बोलता है। अंजू पालक बोलते ना, बोल तो देख, पालक बोल रहा है, अभी बोल रहा है की अभी और चाहिए, देख पतला है, अभी पतला है, अभी बोल रहा है मेरे को बेसन चाहिए, और उसमें हम और लेंगे बेसन। और अच्छे से इसको मिला लेंगे। ये देखिए अभी परफेक्ट हो गया बेसन। हाँ, बिल्कुल।
गाइस इस तरीके से मिला लेंगे, जैसे अभी पतला नहीं है और गोला सा बनने लग गया पालक का, तो अभी हमारा बेसन परफेक्ट है। और अभी हमने इसके अंदर जो पानी रखा था ना, इससे भाप बन रही है। और परात में आप तेल लगा लेंगे, ये जो ऊपर वाली परात है इसके ऊपर हल्का हल्का तेल लगा देंगे, चिपके ना। ऑयल, रिफाइंड घी कुछ भी लगा सकते हैं। और अभी ऐसे ऐसे गोला बनाएंगे और इन गोलाओं को ना यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर, तो ये गोला भाप से सिक के तैयार होंगे। छोटे बड़े तो बना सकते हैं। और जब बेसन परफेक्ट हो गया तो आराम से गोला बन रहे हैं, ये देखिए इसमें से छोटे छोटे गोला बना लेंगे, जैसे छोटा वाला आलू होता है ना, टर्री बोलते हैं वही वाला। तो ऐसे फिर इनको रख देंगे सेकने के लिए, तो फटाफट अभी सबको बनाते हैं। एक साइज के बनाए सोनी ने एकदम बढ़िया बढ़िया गोले, तो ये भाप से ना सिक जाएंगे, पूरा भर गया। अभी इसको हम ढक के रख देंगे, अभी देखेंगे करीब 5 मिनट के बाद, 5 मिनट में ये सिक्के तैयार हो जाएंगे। अभी इसमें हमारे पालक गोले तैयार हो रहे हैं, जब तक क्या करेंगे अपना मसाला तैयार बनाते हैं अपनी। अभी मसाले में हमने नमक नहीं डाला, थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और अब डालेंगे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, कलर दे गया है। और अभी डाल देंगे अदरक। मसाले डल गए सब? तो अदरक, लहसुन, प्याज। और अभी हल्का सा मसाला भुन गया है ये, तो अभी हम डालेंगे सूखा मसाला। हाँ, लाल मिर्ची है, हल्दी, धनिया, ये था ना पानी डाल दिया था इसमें गीला करने के लिए, जिससे मसाला अच्छे से भुन जाए। और कोई भी सब्जी बनाओ सबसे बढ़िया ग्रेवी बननी चाहिए, ग्रेवी बन गई तो सब्जी बन गई। अभी देखो मसाला कितना बढ़िया भुन रहा है, हल्का हल्का तेल छोड़ने लग गया है। तो अभी हम डाल देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट, ये टमाटर हमने पीसे थे ना, इन्हीं को डाल देंगे। अब बनेगी ग्रेवी, अभी तो और पालक और रह गया है। फिर अभी हम चेक करेंगे कि हमारे जो पालक पकौड़े नहीं, पालक गोले अभी देख सकते हैं कितने मस्त लग रहे हैं ना देखने में, गजब। और ऐसे पता करेंगे कि हमारे जो हमारे पालक के गोले हैं वो अच्छे से उबले हैं कि नहीं, तो इनके अंदर जैसे छुरी वगैरह डाल के देख सकते हैं, देख रहे हैं देखो। और ऐसे भी दबा के पता चलेगा, और ऐसे भी पता चल जाएगा, देखो टूटेंगे नहीं, है ना, एकदम बढ़िया। बंद कर देते हैं, अभी गैस बंद कर देते हैं। अभी इनको हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। गाइस जो आज की रेसिपी है ना, इतनी गजब की बनेगी। और आपको कैसी लग रही है कमेंट कर देना, और पसंद आ रही है हमारी रेसिपी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं उबले, सिर्फ ऐसे ही भाप के बने हुए। हाँ। अच्छे लगेंगे, क्यों मोमोज अच्छे नहीं लगते? अच्छा मोमोज खाते हैं जैसे, इसको भी खा सकते हैं चटनी के साथ। और अभी देखिए अब अच्छे से तेल छोड़ गया मसाला पूरा, है ना। हाँ। तो ये मसाला हमारा भुन के हो गया तैयार, और अभी डालेंगे इसमें पालक। गाइस जितना टाइम लगेगा ना ग्रेवी बनाने में लगेगा, जब एक बार आपकी ग्रेवी बन गई तो फिर जो भी कोई भी सब्जी को खाएगा उंगलियां जरूर चाटेगा। और हमारी रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है इस समय, और सपोर्ट इसी से होगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, यारों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको पसंद आएगी तो वो लोग देखेंगे तो हमारी वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाएगी, हमको भी सपोर्ट मिलेगा। उबला हुआ नहीं है, कच्चा ही था। हाँ उबला हुआ पालक नहीं है, कच्चा ही पालक पीसा था हमने। अभी मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, अभी जो कच्चा पालक हमने डाला है ना पीस के, ये भी बढ़िया से भुन जाएगा, और अभी भी ये तेल छोड़ेगा, उसके बाद में डलेगा जो कुछ डलेगा, है ना सोनी। हाँ। मौसम भी आज काफी मस्त है, ठंडा ठंडा, आज हल्की हल्की बारिश हो गई थी सुबह सुबह। अंदर ही खाते रहो, पकाते रहो। देखिए अभी छोड़ने लग गए बढ़िया, अभी हम डाल देंगे अपने ये जो बनाए थे ना हमने पालक के गोले, और इनको डाल देंगे। अब सब्जी का टेक्सचर आएगा हसली वाला, इनको भी भूनेंगे क्या थोड़ी बहुत देर? नहीं, पानी डालेंगे तो है। और सब्जी को आप सूखा भी बना सकते हैं और पतला भी बना सकते हैं, तो हम अपनी फैमिली के हिसाब से कि सबके लिए हो जाए इसलिए हम इसमें पानी डालेंगे। पानी लिया है अभी, तो फिलहाल इस घंटी में आधा लीटर पानी बनता है। हाँ। 500 ग्राम इतना ही पानी डालेंगे कि और भी डालेंगे? देखेंगे जरूरत के हिसाब से, इतना ही बहुत है, काफी है। काफी है इतना ही, 500 ग्राम पानी डाल देंगे बस। पतला गाढ़ा अपने हिसाब से।
और अभी इसको बनने में कितना टाइम लग जाएगा? बस 5 मिनट लगेंगे। सब्जी में बस खदक आ जाए अच्छे से, हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। अभी सोनी ने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसको अभी हम ढक के देंगे। आधा ढकेंगे, पूरा ढकेंगे? पूरा। अभी इसको बनने देते हैं, 5 मिनट के बाद देखेंगे सोनी। हाँ। हमने लिया यहाँ पे ताजा ताजा हरा धनिया, तो इसको अच्छे से पहले साफ कर लेंगे। अभी देखेंगे करीब 5-6 मिनट बाद सब्जी को, और ये देखिए बढ़िया खदक आ गई और सब्जी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ना। और ये काला काला सा कैसे दिख रहा है सोनी? तेल दिख रहा है। तेल दिख रहा है ये? हाँ तेल ही है। सब्जी तो आप देख ही सकते हो, वाह क्या कहने। और देखने वालों के मुंह में पानी आया। हाँ गाइस मुंह में पानी आया, तो वीडियो को लाइक कर दो। देखो लो अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो देख रहे हो, ऐसा कंजूस मत किया करो गाइस। एक बार जरूर बना के देखें। हाँ, और इस रेसिपी को कब बना रहे हैं, कौन कौन बना रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में जरूर बताएं। देख सकते हैं वाह क्या सब्जी, क्या पकौड़े। ये देखो आलू, वो आलू के, आलू कह रहा हूँ मैं, आलू नहीं ये पालक के पकौड़े, पालक गोले। वाह। अब इसमें हल्का सा धनिया डालेंगे हम, जितना हमने लिया है, फिर इसकी खुशबू बढ़ेगी और डलेगा इसमें सोनी का स्पेशल सब्जी मसाला। धनिया भी हमारा कटिंग हो गया, अभी हम डालेंगे सब्जी मसाला 1 चम्मच। हाँ, 1 चम्मच सब्जी मसाला। बस अभी हम सब्जी को दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। वाह ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया सब्जी है, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो फाइनली अभी हमारी सब्जी बनके हो गई तैयार, और देखिए हमने थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया है, और ये देखने में भी इतनी सुंदर लग रही है और खाने में भी उतनी ही सुंदर है। चलिए गाइस, और अभी अम्मा टेस्ट करेंगी हमारी सब्जी को, फिर बताएंगी कैसी बनी है। अभी सोनी ने भी रोटी बना के बस तैयार कर दी, फूली फूली एकदम भटूरे जैसी। हाँ गाइस भटूरे की भी रेसिपी डल चुकी है, उसको जरूर देखना। और अम्मा सब्जी कैसी बनी है तो बताइए जरा, स्वाद कैसा है सब्जी का? बढ़िया था। सही बढ़िया बना, साग सब छोड़ कई की सब्जी है, पालक की है। हाँ पालक के गोले बनाए आज, बहुत ही गजब की, और अम्मा को बहुत पसंद आई सब्जी। अंजू अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। आज की रेसिपी अम्मा को, अंजू को और सभी को पसंद आई, और आप सभी को कैसी लगी अब आपके ऊपर है, आपको पसंद आई कि नहीं आई। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।